सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, MWC 2018 का नेक्स्ट वीक में यहां पर इवेंट है बार्सिलोना में। और गाइस, यहां पर बहुत सारे आपको अपकमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, फ्लैगशिप भी मिलेंगे, मिड रेंज सेगमेंट के भी मिलने वाले। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। और गाइस, आपको बताऊंगा MWC 2018 में आपको कौन से ब्रांड से कौन से स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, सबसे पहले तो आपको MWC का मतलब बता देता हूँ, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो गाइस, MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, और ये हर साल इवेंट होता है। 2018 ये 2017 2016 बहुत पहले से चल रहा है। और गाइस, यहाँ पर ये आपको फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग वगैरह में देखने को मिल जाता है। और ये स्पेशली यहाँ पर बार्सिलोना में होता है, स्पेन कंट्री में होता है। और वहाँ पर एक बेसिकली बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हो, साल का बहुत बड़ा इवेंट होता है। वहाँ पर सब कंपनीज अपने अपने स्मार्टफोन हो गया या और भी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉच वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लॉन्च करती है। और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वहाँ पर बताया जाता है, डेमो वगैरह बताया जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ जाते हैं, एज वेल एज प्रेस वाले रहते हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉगर वगैरह जाते हैं वहाँ पर, सब वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो वैसे आपको बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पर देखने को मिलता है। गाइस, बात करते हैं यहाँ पर ये लॉन्चेस की। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नोकिया की। तो नोकिया के आपको तीन डिवाइसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, नोकिया 1, नोकिया 7 प्लस और नोकिया 8। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नोकिया 1 की। तो गाइस, उसकी भी कुछ लीक्स एंड रूमर्स निकल के आई थी। गाइस, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है, 4.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, 720p वाला। यहाँ पर आपको 1GB की रैम, 8GB की इंटरनल स्टोरेज और बहुत ही बेसिक सा फोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट गाइस, ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर ये रहेगा कि एंड्रॉइड गो के साथ में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एंड्रॉइड का लाइटर वेरिएंट है, ओरियो गो आप बोल सकते हो यहाँ पर इसको। बात करते हैं यहाँ पर नोकिया 7 प्लस की। तो गाइस, नोकिया 7 प्लस बहुत ही अच्छा डिवाइस मुझे लगा, कुछ दिन पहले मैंने इसकी वीडियो भी बनाया था। गाइस, यहाँ पर ये MWC 2018 में बताया जा रहा है कि लॉन्च हो सकता है। और गाइस, यहाँ पर इसके जो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से, तो गाइस, यहाँ पर आपको मेटल का यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाएगा और जो उसकी हाईलाइटिंग फीचर रहने वाली है। गाइस, यहाँ पर आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा, 6 इंच का डिस्प्ले रहेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है, 4GB रैम वाले मॉडल में आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिल सकता है। कैमराज आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल देखने को मिल सकता है, बैक में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। और प्राइसिंग बताई जा रही है 18 से 20 हज़ार के आसपास लॉन्च हो सकता है। नोकिया 9 की बात करें तो गाइस, नोकिया 9 बेसिकली एक नोकिया 8 का अपग्रेड या आप बोल सकते हो नोकिया की तरफ से फ्लैगशिप स्मार्टफोन रहने वाला है यहाँ पर 2018 का। गाइस, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी अगेन बताया जा रहा है, ग्लास या मेटल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको डेफिनेटली 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला मिलेगा, 2K डिस्प्ले मिलेगा। गाइस, फुल HD नहीं है, 2K रेजोल्यूशन, क्वाड HD आप बोल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। कैमराज भी आप बोलते हैं कि नोकिया 8 से बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होकर आएंगे, फ्रंट कैमरा एज वेल एज रियर कैमरा, फास्ट चार्जिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। तो देख लेते हैं नोकिया 9 क्या स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च होता है और इंडिया में कब लॉन्च होता है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पर सेकंड ब्रांड की। तो यहाँ पर आता है सैमसंग। गाइस, सैमसंग का 25 फरवरी को बहुत ही बड़ा वहाँ पर इवेंट होने वाला है। वहाँ पर लॉन्च होते हुए दिख सकता है आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस, जो कि सैमसंग का एक फ्लैगशिप डिवाइस है। गाइस, वहाँ पर भी उसकी भी कुछ लीक्स एंड रूमर्स निकल के आई थी। बताया जा रहा था कि जो बिल्ड क्वालिटी है वही आपको ग्लास मेटल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको S8 Note 8 वगैरह में देखने को मिलता है। साथ ही साथ डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको वही 18:9:9 का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वही आपको बहुत ही कम बेजल बताया जा रहा है कि जो बेजल रहने वाले टॉप और बॉटम में और रिड्यूस कर दिया जाएगा एज कम्पेयर टू S8 वगैरह से, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर भी आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सुपर एमोलेड पैनल है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर बताया जा रहा है यहाँ पर ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है, स्नैपड्रैगन 845 और आपको एक्सिनोस का 9810 देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है 4GB रैम मॉडल और 6GB रैम मॉडल में लॉन्च हो सकता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रह सकता है। और गाइस, जो S9 और S9 प्लस में जो मेजर डिफरेंस रहने वाला है वो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले रहने वाला है। जो सादा रेगुलर S9 रहने वाला है वहाँ पर आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और जो S9 प्लस रहने वाला है वहाँ पर बताया जा रहा है आपको डिस्प्ले की साइज रहने वाली है 6.3 इंच की। और यहाँ पर एक और एक मेजर जो दोनों में चेंजेस रह सकता है वो बताया जा रहा है, S9 में आपको सिंगल कैमरा का सेटअप मिलेगा बैक में, और यहाँ पर जो S9 प्लस है वहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। और बैटरी लाइफ में भी दोनों डिवाइसेज में थोड़ा चेंज रहेगा बताया जा रहा है, S9 में आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और S9 प्लस में आपको 3500mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। तो गाइस, देख लेते हैं यहाँ पर सैमसंग क्या कुछ यहाँ पर S8 से अपग्रेड करके S9 में आपको देखने को मिलता है। तो 25 फरवरी को लॉन्चिंग है S9 और S9 प्लस की। तो गाइस, थर्ड कंपनी की बात करते हैं तो गाइस, यहाँ पर आता है मोटोरोला की तरफ से।
गाइस बताया जा रहा है कि जो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर लीक्स एंड रूमर्स की वीडियो बनाया था मोटो G6, G6 प्ले और G6 प्लस के बारे में, तो बताया जा रहा है गाइस यहाँ पर ये आपको MWC 2018 में मोटोरोला ये सब डिवाइसेस को लॉन्च कर सकता है। और गाइस यहाँ पर इसके भी कुछ लीक्स एंड रूमर्स निकल के आई थी। गाइस बताया जा रहा था कि जो G6 और G6 प्ले रहने वाला है वो आपको नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी के साथ में मिलेगा, बट गाइस जो G6 प्लस है वो आपको आप बोल सकते हो ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो स्क्रीन रहने वाली तीनों ही डिजाइन आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाले मिलेंगे। स्क्रीन साइज थोड़ा डिफरेंट रह सकता है, स्क्रीन साइज एक्जैक्टली पता नहीं है। स्नैप और प्रोसेसर की बात करें तो गाइस जो प्ले वाला है जो सबसे लोअर वाला वेरिएंट है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 430 देखने को मिल सकता है, जो G6 है उसमें स्नैपड्रैगन 450 देखने को मिल सकता है, और जो G6 प्लस है उसमें आपको 630 या 636 स्नैपड्रैगन का देखने को मिल सकता है। कैमराज वगैरह मोटोरोला के अच्छे ही रहते हैं, वो देखने के बाद पता चलेगा, बाकी सब डिटेल वगैरह नहीं है ये। और बैटरी लाइफ बताया जा रहा है 3200 mAh के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, और स्ट्रॉक एंड्रॉइड तो मिलेगा ही, ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देख लेते हैं यहाँ पर अगर मोटोरोला MWC 2018 में G6, G6 प्ले और G6 प्लस लॉन्च करता है तो क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है, और इंडिया में कब आएगा गाइस उसका मैं भी ये डिवाइसेस का वेट कर रहा हूँ। सो गाइस बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी की, तो गाइस ये आती है Xiaomi। गाइस यहाँ पर Xiaomi भी अपना एक डिवाइस लॉन्च कर सकता है। गाइस ये लॉन्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट बहुत से लोग बोल रहे क्या हो सकता है। गाइस यहाँ पर Xiaomi की तरफ से आपको Xiaomi Mi Mix 2S देखने को मिल सकता है, Mi Mix 2 का आप बोल सकते हो सक्सेसर डिवाइस। गाइस यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले रहने वाला है आप कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा आपको 196% डिस्प्ले टू बॉडी रेशियो रहने वाला है। यहाँ पर आपको सिर्फ कैमरा का प्लेसमेंट आपको राइट साइड में टॉप में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वही आपको सेरामिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है 8GB रैम के साथ में ये आ सकता है, 256GB तक इंटरनल स्टोरेज रह सकती है, और बैटरी लाइफ आपको 3500 mAh के आसपास देखने को मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 845 के साथ में देखने को मिलेगा, बैक में डुअल कैमरा का सेटअप भी देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं Mi Mix 2S कैसा आता है और क्या कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो गाइस ये आता है Asus की तरफ से। यहाँ पर ये फोन का नाम मतलब आप बोल सकते हो लॉन्च होने वाला है Asus Zenfone 5। और गाइस ये पूरा का पूरा फोन जो है इसकी कुछ लीक्स एंड रूमर्स निकल गया, ये डिज़ाइन की स्पेशली, यहाँ पर प्रोसेसर कौन सा आ सकता है ये सब तो नहीं बताया गया, बट कुछ डिज़ाइन है गाइस पूरा का पूरा iPhone 10 का यहाँ पर कॉपी आपको देखने को मिल सकता है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अगर आप फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पर आपको बेजललेस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, बट गाइस जैसे कि आपको iPhone 10 में यहाँ पर ऊपर टॉप में नॉच देखने को मिलता है पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ पर Asus Zenfone 5 में आपको शायद देखने को मिल जाए। और गाइस बैक साइड से अगर बात करें तो बैक साइड से भी iPhone 10 का ये कॉपी दिख रहा है। गाइस यहाँ पर आपको वर्टिकल लाइन में डुअल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है, एज वेल एज गाइस पूरा का पूरा डिजाइन iPhone 10 से इंस्पायर्ड है। तो देख लेते हैं Asus Zenfone 5 क्या फीचर्स के साथ में आता है, सिर्फ ये कॉपी करा गया है, बाकी सब फीचर्स वगैरह क्या रहते हैं, प्राइसिंग क्या रहती है वो भी आपको MWC 2018 के इवेंट में आपको देखने को मिल सकता है। और गाइस जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होंगे मैं आपको तो सारी डिटेल्स तो देने ही वाला हूँ। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।